हमारे बीच इलाहाबाद बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक आर एन शुक्ला जी मौजूद हैं उनसे बात करेंगे बैंक का विलय जो किया जा रहा है इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का उस विषय पर बात करेंगे क्या कुछ रहा है मामला प्रदर्शन तीन दिनों से लगातार चल रहा लगा। है। बड़े दुख का विषय है कि अभी तक कोई विशेष सहायता हम लोगों को नहीं उपलब्ध हुई है शनिवार इतवार दो दिन हम लोगों ने पूरे दिन का धरना दिया था उसके पहले जब से ये अनाउंस हुआ है हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मीडिया तक पहुंच रहे हैं जनता तक पहुंच रहे हैं ट्विटर के जरिए फेसबुक के जरिए ईमेल के जरिए सभी लोगों को कहा जा रहा है लेकिन जो समुचित जवाब मिलना चाहिए जो सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है अभी तक केवल नितिन गडकरी जी ने एक चिट्ठी वित्त मंत्री को लिखा है सीतापुर के सांसद जो कि वित्त आयोग के सचिव भी वित्त कमेटी के सदस्य भी हैं उन्होंने एक आश्वासन दिया है और अपने फेसबुक पर उस डेलीगेशन की फोटो को पोस्ट किया है इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के किसी राजनेता ने कोई मदद नहीं दी है ये बड़े शोक का विषय है और जबकि मैं लगातार कह रहा हूँ कि दक्षिण भारत के अधिकारी और राजनीतिक दलों ने मिलकर अपने दक्षिण भारत की संस्था को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया है जबकि उत्तर के लोग इस मामले में बिल्कुल सुसुप्ता अवस्था। इंडियन बैंक का क्या इतिहास रहा है थोड़ा इंडियन बैंक दक्षिण भारत का एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की तरीके से है राष्ट्रीयकृत बैंक रहा लेकिन इसकी पोजीशन इतनी ख़राब थी कि इसके पहले द्विपक्षीय समझौते में इसने अपन ये अपने अधिकारी कर्मचारियों को वेतन भत्ते देने में असमर्थ था लेकिन और इसके लिए ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन ने संघर्ष किया कि जब सारे बैंकों को लोगों को बाईपार्टाइट सेटलमेंट का फ़ायदा मिल रहा है तो इसको क्यों, इनके कर्मचारियों को अधिकारियों को क्यों न मिले और वो अचानक ये पहले ये बात हो रही थी कामत साहब के समय में जब हमारे वो अध्यक्ष थे कि इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक को मर्ज करेगा ताकि उसकी प्रदेश अध्यक्ष में हो और ये अचानक रातों रात कैसे उलट गया कैसे लॉबिंग हुई ये एक शोध का मन मनसा लगती है इसके पीछे इतना बड़ा बैंक है ऐतिहासिक बैंक है इलाहाबाद बैंक हजारों लोगों के इसमें तमाम जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं किस तरह से पूरा जो है नुकसान होगा इस नुकसान पहचान का है नुकसान इतिहास का है नुकसान एक विरासत का है नुकसान एक परंपरा का है इलाहाबाद बैंक न सिर्फ उत्तर भारत में बिहार मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल आ, राजस्थान महाराष्ट्र हर प्रांत में समुचित प्रकार से फैला हुआ है इलाहाबाद बैंक की अपनी एक विरासत है एक परंपरा है हम एक कंजर्वेटिव बैंक छोट भले हों लेकिन हमारा ग्राहकों से जो संबंध है वो पारिवारिक होता है और जो भी हर कदम आपके साथ ये हमारा नारा हुआ करता है हम अपने ग्राहक के लिए सदैव तत्पर रहते हैं हम छोटे हमारे पास बहुत बड़े लोन नहीं हुआ करते थे बहुत बड़े ग्राहक नहीं हुआ करते थे हमने ग्रामीण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में यदि आप किसी पिछड़े जिले का नाम लें तो वहाँ पे पता इलाहाबाद बैंक अग्रणी जिले की भूमिका निभा रहा है हम पिछड़े क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं हम किसानों की सेवा कर रहे हैं जितना भी विकास हुआ है वो राष्ट्रीयकृत बैंकों की ही देन है और उसमें इलाहाबाद बैंक चूँकि सबसे पुराना बैंक है इसलिए इलाहाबाद बैंक का बहुत बड़ा योगदान है और निश्चित तौर से ये एक पहचान खोएगा एक वर्ष पुराना कोई बैंक नहीं बचा बड़े बड़े बैंक फेल हो गए चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात हो चाहे वो आ, आर्थिक मंदियों की बात हो हर बार इलाहाबाद बैंक उनसे उभरता रहा हर पार हर संकट को इसने पार किया है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस झंझावट को भी हम बड़ी कुशलता से जैसे पार कि पूरे देश को पता है गिरती जा रही लगातार गिरावट आ रही है उसके अंदर और ऐसे में इतना ये जो कदम उठा रही सरकार इससे क्या फर्क पड़ेगा देश को और तमाम जो आपके ग्राहक हैं खातेदारक हैं उनको एक बात कही जाती थी कि ज्यों मर्ज बढ़ता गया ज्योजों दवा की जिस प्रकार से आर्थिक मंदी आ रही है विशेषतः नोटबंदी के बाद आप देखें मार्केट में व्यापारियों में ख़ास तौर से छोटी छोटी कंपनियों में नौकरियां गईं कंपनियां बंद हुईं उसके बाद आज लिक्विडिटी नहीं है टर्नओवर नहीं हो रहा है आप बैंक में देखिए जो व्यापारी आता था और दिन में तीन बार जमा करता था आज वो एक बार नहीं आ रहा है बड़े बड़े शोरूम बंद हो गए सड़क के किनारे देखिए कितने लोग बेरोजगार हो गए सरकारी क्षेत्र में देखिए लोग रिटायर हो रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही है भर्ती नहीं हो रही है जो भर्ती होती है वो पहले प्री होता है फिर मेन होता है फिर इंटरव्यू होता है उसके बाद हाई कोर्ट होता है फिर सुप्रीम कोर्ट होता है और बेरोजगार सड़क पे ठगा महसूस कर रहा है जो ये कहा जा रहा है कि नौकरी नहीं है यदि आदमी के पास परचेजिंग पावर नहीं होगी उसकी जेब में पैसा नहीं होगा तो वो मार्केट में खरीदेगा क्या एक प्रश्न ये समझा जाना चाहिए आप बैंक कर्मियों का उदाहरण ले लीजिए हमारा वेतन नवंबर 2017 में बढ़ जाना चाहिए था हम नवंबर 2017 से क्या मांग कर रहे हैं न्यूनतम वेतन न्यूनतम वेतन क्या है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस की संस्था है उसमें भारत ने साइन किया है उस एग्रीमेंट पर पार्लियामेंट में पास किया गया है पार्लियामेंट में पास करने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों अधिकारियों को दे दिया गया है लेकिन बैंक कर्मियों को उसे मना किया जा रहा है पहले दो परसेंट चार परसेंट दस परसेंट अब बारह परसेंट क्यों भाई आप हमें न्यूनतम वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं जो कि आप यूनाइटेड नेशंस में साइन करके आए हैं आपने पार्लियामेंट में पास किया है और इसके बावजूद आप बैंक कर्मियों को न्यूनतम वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं बैंक कर्मी हमारे आपके मुनाफे के लिए ज़िम्मेदार नहीं है क्योंकि बैंकों का उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं हुआ करता था बैंकों का उद्देश्य गरीबों की सेवा करना था राष्ट्र की सेवा करना था नीतियाँ आपकी हैं सब अधिकारी आपके हैं एग्जिक्यूटिव आपके हैं कार्यक्रम आपके हैं हम तो खाली कार्य का निष्पादन कर रहे हैं हमारे काम का भुगतान कीजिए शुक्ला जी आप आगे क्या रणनीति होगी किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाया हम लोग उन्नीस तारीख को प्रधान कार्यालय कलकत्ता में इकट्ठा हो रहे हैं 20 को हमारी निगोशिएटिंग कमेटी की बैठक होगी 21 को हम फिर उच्च प्रबंधन से बात करेंगे उसके बाद हम लोगों ने 25 तारीख को एक डिमांस्टन कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया है 26, 27 दो दिनों की हम हड़ताल करेंगे और उस हड़ताल के बाद सरकार के रुख को देखेंगे अक्टूबर में हम लोगों का प्रयास है कि हम दिल्ली जाएंगे और सभी केंद्रीय मंत्रियों को मिलकर अपना ज्ञापन देंगे अपनी बात कहेंगे हम सतत करेंगे और इसके बाद भी यदि बात नहीं बनती है तो नवंबर के द्वितीय सप्ताह से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे ये बिल्कुल तय है